मैं हूं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल। मैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में एज ए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन कार्यरत हूं। आज मैं आपके सामने नी आर्थरोस्कोपी के बारे में डिस्कस करने आया हूं। आज जानते हैं नी आर्थरोस्कोपी क्या होती है। नी आर्थरोस्कोपी एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, टाइप ऑफ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, जिसमें हम एक की होल करके अराउंड 5 mm का इंसीजन लेते हैं, जिससे कि हम अपना एक आर्थरोस्कोप अंदर डालते हैं। उससे फिर हम अंदर जाके देखते हैं, पूरा जॉइंट को विजुलाइज करते हैं, उसके अंदर डायग्नोसिस करते हैं और फिर दूसरे होल से हम उसके अंदर काम करते हैं। तो नी आर्थरोस्कोपी इज़ ए मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। अब नी आर्थरोस्कोपी दो तरीके लिए करते हैं हम। एक डायग्नोसिस बनाने के लिए करते हैं, जैसे हमने MRI करवाया पेशेंट का, उसके बाद भी हमको डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रहा है, उस केस में हम नी आर्थरोस्कोपी करते हैं और एक डायग्नोसिस बनाते हैं। हम एक नी जॉइंट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके सारी चीज़ें डायरेक्टली विजुलाइज करते हैं। उससे हमें पता चल जाती है कि नी में क्या प्रॉब्लम है। कई बार जो चीज़ें MRI में पिकअप नहीं होती, वो हम नी आर्थरोस्कोपी के द्वारा पता कर सकते हैं। सेकंड होता है थेरेप्यूटिक नी आर्थरोस्कोपी। थेरेप्यूटिक नी आर्थरोस्कोपी किन किन केस में करते हैं, जैसे आजकल यंग पेशेंट्स जो होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं, जिनको काफ़ी स्पोर्ट्स में इंजरीज हो जाती हैं। इंजरीज़ के अंदर जैसे मेनिस्कल इंजरी, लाइक वॉशर इंजरी हो जाती है, या ACL PCL जिसको रस्सी टूटना भी कहते हैं लिगामेंट्स के अंदर, उन सब की इंजरी हो जाती है। जैसे ये हमारा नी है, इसके अंदर ये हमारे लिगामेंट्स हैं, साइड में लिगामेंट्स होते हैं, ये हमारे मेनिस्कस हैं वॉशर, ये हमारा आगे का लिगामेंट है ACL और ये पीछे का लिगामेंट है PCL। इन सब की इंजरीज़ हो जाती हैं। इन सबको इंजरीज़ को ट्रीट करने के लिए हम दूरबीन द्वारा, इसको दूरबीन से ऑपरेशन भी कहते हैं, दूरबीन द्वारा इनको हम ट्रीटमेंट करते हैं। मेनिस्कल इंजरीज़ के अंदर हम इसके अंदर जो पार्ट अगर ज़्यादा ख़राब हो गया है तो हम उसको निकाल भी सकते हैं, इसको मेनिसेक्टोमी कहते हैं, नहीं तो हम इसको अब रिपेयर भी कर सकते हैं। दिस इज़ द न्यूएस्ट मेथड, नई टेक्निक आई है जिससे कि हम मेनिस्कल रिपेयर्स भी करते हैं। फिर अनदर इंडिकेशंस हैं, जैसे ACL रिकन्स्ट्रक्शन हो गया, PCL रिकन्स्ट्रक्शन हो गया, और भी लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन हो गए, या फिर हम इसके अंदर कई बार क्या होता है कि जो थोड़े ओल्ड एज हो जाते हैं, जो इंजरीज पुरानी इंजरी लग गई, उससे कॉन्ड्रल डैमेज हो गया, फिर वो कार्टिलेज बाहर निकल गया और लूज़ बॉडी की तरह नी के अंदर हमारे वो फ्लोट करता है और कई कई बार वो अटकता भी है, उस केस में भी रिमूवल ऑफ लूज़ बॉडी हम नी आर्थरोस्कोपी के द्वारा करते हैं। प्लस इसके अंदर जो किसी किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है या कोई सैनोवियल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उस केसेस में हम सैनोवेक्टमी करते हैं, डिब्राइडमेंट्स करते हैं नी जॉइंट्स के अंदर। तो ये सारे प्रोसीजर हम नी आर्थरोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। नी आर्थरोस्कोपी सर्जरी काफ़ी सेफ सर्जरी होती है। स्पाइनल देके ये आधा सुन करते हैं बॉडी को, दोनों पैर सुन करते हैं, उससे ये सर्जरी हो जाती है, तो काफ़ी सेफ सर्जरी मानी जाती है। कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी ऑलमोस्ट निल होते हैं। ओनली 1-2% पेशेंट्स को ही कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो बाकी जो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो हर किसी के अंदर, लेकिन एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस इसमें बहुत कम होते हैं। पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अगर आपका मेनिस्कल टीयर्स हुए हैं या आपकी लूज बॉडी रिमूवल हुए हैं, डिब्राइडमेंट्स हुए हैं, तो आपको नेक्स्ट डे से ही वॉकिंग स्टार्ट करवा दी जाती है। अगर आपका ACL टीयर हुआ है, ACL या PCL को रिकन्स्ट्रक्शंस किए हैं, तो उसके अंदर भी आपको विद इन 7-10 days वॉकिंग स्टार्ट कर दी जाती है, एंड विद इन 15-20 days पेशेंट अपने पूरा मोशन रिगेन कर लेते हैं और सबका चलना फिरना आराम से स्टार्ट हो जाता है। तो अब नी आर्थरोस्कोपी बहुत अच्छी सर्जरी है, सेफ सर्जरी है, और इस सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यंग लोगों के अंदर ज़्यादा करी जाती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन में ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, रादर देन ओल्ड पेशेंट्स में। थैंक यू।